साल हो गए, ईद का है थर्ड डे और आज है हमारे जेठ के घर दावत, हम सब वहाँ जा रहे हैं। तो होपफुली आपको वीडियो आज की भी पसंद, एंजॉय करेंगे, वहाँ सब जमा होंगे, वहाँ की भी थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग्स दिखाएंगे। अभी ना सारा फैला हुआ है, ये मैं लगा रही थी आमना और जैनब को, तो बस तैयारी हो गई है हमारी। मैं गोल्डन भी लगा रही हूँ। आमना की ना टी शर्ट के आगे गोल्डन से पूरा लिखा हुआ है। आमना ज़रा तुम दिखाना इब्राहिम को, इसलिए मैंने गोल्डन, इसको मैंने बुला के लगाया है। ये देखो ब्यूटीफुल गोल्डन से बहुत अच्छा किया आमना ने, है ना, जींस पे लगा नहीं लगी, नहीं लगी, सूखी भी थी, ड्राई हो गई। देखो अच्छा लग रहा है। आज फाइनली आमना ने पर्स लिया, सीधा ही पर्स था ये। वो दिखाओ अपनी हार्ट ब्रेसलेट, वो चेन दिखाओ, ये खुलती भी है मुझसे खुलेगी नहीं। चलो अभी छोड़ो, ये ऐसे करिए पूरी खोल दिया, सुन जाओ दिखाओ, ये प्रेम बनाना, मैं इस साइड से बन रही हूं, यहां से खुलती है। अरे वाह, इसके अंदर वो डाल देना हमने मम्मा पापा की पिक्चर। चलो मैं छोटी है नहीं ना अभी। हां ये भी अच्छा यूनिकॉर्न का है, अच्छा लग रहा है। बहुत याद करना इधर गिरे विरे ना, हमने की मेहंदी का भी कलर बिल्कुल सेम है, पिंक है। हाँ अभी सब फैला हुआ है आज। अच्छा आज मैं पहन रही हूँ ये वाला ड्रेस, कल पहन रही थी लेकिन मैंने फिर वही रिपीट कर लिया था। तो ये मैंने ना चेस से लिया था, ये जलपरी वालों के सूट्स हैं, बहुत अच्छे हैं और रिजनेबल प्राइस हैं। ये 22,999 रुपीज़, मतलब 2300 का ये सूट है जलपरी वालों का, तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा इसमें ना नेक लाइन बड़ी अच्छी बनी हुई है, बटन्स लगे हुए हैं, इसका रिस्ट ये देखें पाउंची टाइप का ये बना हुआ है, ये देखें इस पर भी बटन्स लगे हुए हैं और यहाँ बड़ी नफासत से बेल लगी हुई है। तो ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसका दुपट्टा ये देखें, इसमें टसल्स लगे हैं, इतना सॉफ्ट मटेरियल है, बड़ा अच्छा लगा है। और ये देखें इसके जो है ना दामन पर भी इतनी अच्छी बेल लगी हुई है, साथ इसके ट्राउज़र है ये भी स्टिच हुआ हुआ है, तो मुझे ये सूट बहुत अच्छा लगा था। ये देखें इस तरह से है, तो मैं आज अपने जेठ के घर ये पहन के जाऊँगी इंशाल्लाह। चल अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, मिलती हूँ इंशाल्लाह तैयारी के बाद। ये हैरान परेशान है ना, बाबा पेट्रोल डलवाने जाओ, बाबा वो करेगा पेट्रोल डलवाने। अच्छा फाइनली हम यहाँ पहुँच गए थे जेठ के घर, और बहुत बहुत रश था रास्ते में ना, क्योंकि थर्ड डे था, सब कहीं ना कहीं अपने घूमने फिरने ये सब निकले हुए थे, तो इतना रश था कि हमें बहुत मुश्किल हुई। अच्छा यहाँ पहुँच गए थे तो यहाँ सब अपना ना कोई वीडियो शूट कर रहा था, कोई फ़ोटो शूट कर रहा था, सब अपना अपना बिज़ी हुए हुए थे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, जब तक आप लोग अपना फ़ोटो शूट करवाएं, मैं थोड़े से इनके घर की थोड़ी सी मैं जो है ना वीडियो बना लेती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, मैं तो बहुत टाइम बाद आई थी तो मुझे और चेंज लग रहा था। अच्छा यहाँ पे डेकोरेशन की हुई थी, बहुत अच्छे लैंप्स रखे हुए थे, कर्टन्स अच्छे थे, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मुझे डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मुझे सोफ़े बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यारा कलर था। तो मैं ये थोड़ी ना यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी और मैं इन लोग से बोल रही थी कि असल में मैं वीडियो शूट करती हूँ तो अपनी मेरी बहुत कम आती है, तो मेरे थर्ड डे का जो लुक था तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग मेरे साथ फ़ोटोज़ बनवा लें, तो वो मैं यहाँ पे एडिट कर दूँगी और ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मेरे थर्ड डे का लुक कैसा था। तो मैं इन लोग से बोल रही थी कि कुछ पिक्चर्स आप लोग मेरे साथ ले लो ताकि मैं इसमें एडिट कर दूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मैं नहीं आ पाती इसमें, तो एटलीस्ट लोगों को पता चले कि मैंने कैसा अपना लुक क्रिएट किया था। क्योंकि मैंने घर से निकलने से पहले आप लोग को अपना ड्रेस दिखाया था कि जो मैंने जलपरी वालों का चेस से लिया था, बहुत लाइट था, बहुत अच्छा लगा मुझे वेयर करके, तो मैं चाहती थी कि मैं भी दिखाऊं कि मेरा थर्ड डे का कैसा लुक था। तो मैं यहाँ पे कुछ ना पिक्चर्स यहाँ पे एडिट कर दूँगी तो वो आप देख सकते हैं कि मेरा थर्ड डे का लुक कैसा था। Thank you.
फाइनली यहाँ खाना लग गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे अपना खाना खा रहे थे, मैंने कहा जब तक मैं वीडियो शूट कर लूँ अम्मी और नानी की। अच्छा, ये जो वीडियो मैंने बनाई है ना, ये स्पेशली मैंने बनाई है आदिल भाई और रुक्सी बाजी के लिए जो अमेरिका में रहते हैं। ये सबसे बड़े हमारे जेठ, सबसे बड़े भाई, तो और मेरी जो सबसे बड़ी जिठानी, ये उनकी मदर हैं और ये मेरे जेठ की मदर हैं। दोनों साथ बैठी थी, मैंने कहा चलो मैं आप लोग की वीडियो बनाती हूँ और ये वो लोग आपको देखेंगे। यहाँ जो है ना, बच्चे सारा अपना खाना जो है इंजॉय कर रहे थे और बड़े उनको सर्व कर रहे थे। बड़े मज़े होते हैं बच्चों को भाई, सर्विंग मिल जाती है बच्चों को। यहाँ मैं ज़ैनब को कह रही थी कि ज़ैनब अपने आपने अपना खाना पूरा फिनिश करना है, क्योंकि ज़ैनब खाती नहीं है। तो यहाँ पे सब बैठे हुए अपना डिनर कर रहे थे और हम वेट कर रहे थे अपने खाने का। अच्छा, यहाँ मीठा बड़ा यमी था, यहाँ पे चॉकलेट डिलाइट था और खीर थी जो मेरी बड़ी भतीजी आयशा ने बनाया था, चॉकलेट डिलाइट, और ये मेरी जानी ने बनाया था खीर, बहुत यमी थी। ये मेरी कोल्ड ड्रिंक का ग्लास है, यहाँ लेडीज़ हैं, खाना भी खा रही हैं, अपनी बातचीत भी कर रही हैं और बड़े भी खाना खा के अब बैठ चुके हैं। अच्छा, लेडीज़ हो 3, 4, 5, 6 और वहाँ डिस्कशन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। यहाँ मैं अपना मीठा इंजॉय कर रही थी, यहाँ जो है ना दो मीठे थे, एक चॉकलेट डिलाइट और खीर, मैंने दोनों लिए, दोनों ट्राई किए, मुझे बहुत अच्छा यमी लगा, थोड़ी खीर थोड़ा मीठा। तो यहाँ मैंने ज़ैनब को भी खिलाया। अच्छा, यहाँ फिर एंटी डिस्कशन चल रही थी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ईद कैसी गुजरी आप सबकी।